हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OESF फैमिली रिएक्शंस। मेरा नाम है वकास। मेरा नाम मोहम्मद सदीक आवान। और मैं हूं मिसेस वकास। तो भाई, लेकर हाजिर हुआ आप लोगों के लिए एक और बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो। तो उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इसके अलावा जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका लिंक हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करके अपने सजेशंस देना ना भूलें। सो आज की वीडियो क्या है, क्यों है, कैसे है, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। मनाली कुल्लू घाटी के उत्तर में स्थित हिमाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन है। समुद्र तल से 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मनाली व्यास नदी के किनारे बसा है। गर्मियों से निजात पाने के लिए इस हिल स्टेशन पर हजारों की तादाद में सैलानी आते हैं। रंग बिरंगी ताजगी भर देने वाली घाटियां, ऊंचे पहाड़ों पर पड़े रूई जैसे बादल, व्यास नदी का ट्रांसपेरेंट पानी और हरियाली से भरपूर प्राकृतिक वातावरण, यह है यहाँ की खासियत जिसकी वजह से मनाली भारत के टॉप मशहूर टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। मनाली फेमस है अपने स्नो माउंटेन, रिवर, एडवेंचरस एक्टिविटीज, टेम्पल्स, ब्यूटीफुल क्लाइमेट, एप्पल ऑर्चर्ड, स्नोफॉल और स्ट्रीट फूड के लिए। आप यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के अलावा मनाली में हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, कायाकिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा भी उठा सकते हैं। यहाँ के जंगली फूलों और सेब के बगीचों से छनकर आती सुगंधित हवाएं दिलों और दिमाग को ताजगी से भर देती है। मनाली को हनीमून कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हनीमून कपल्स में भी यह जगह काफी पॉपुलर है। इस वीडियो में आपको मनाली के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि मनाली कब जाए, कैसे जाए, होटल और फूड एक्सपेंस कितना होगा और मनाली घूमने का टोटल बजट कितना आएगा, लाइक कंप्लीट ट्रेवल आइटिनरी आपको मिलेगी। और जब भी आप मनाली का ट्रिप प्लान करोगे तो ये वीडियो आपके लिए एज अ गाइड काम करेगी। वीडियो पूरा जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि ट्रेवल से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मनाली में एवरी ईयर हजारों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। मनाली आप बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट पहुंच सकते हैं। बाय फ्लाइट अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट कुल्लू मनाली एयरपोर्ट है। कुल्लू एयरपोर्ट से मनाली की दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर है, जिसे आप बस या टैक्सी से तय कर सकते हैं। ट्रेन से आप आना चाहे तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ेगा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, जहां तक आप ट्रेन से आ सकते हैं और आगे का सफर बस या टैक्सी से तय करना होता है। बाय रोड आप अपनी कार से, वोल्वो से, ऑर्डिनरी बस से या फिर टैक्सी से आ सकते हैं। दिल्ली टू मनाली वोल्वो के चार्जेस 1700 रुपए के अप्रोक्स रहते हैं और HRTC बस के चार्जेस 904 रुपए के होते हैं। वहीं चंडीगढ़ टू मनाली वोल्वो के चार्जेस 1100 रुपए और HRTC बस के चार्जेस 638 रुपए रहते हैं। दोस्तों, HRTC बस के अलावा और भी बहुत से प्राइवेट वेंडर की बसेस मनाली रूट पर चलती हैं, उनके थ्रू भी आप मनाली आ सकते हैं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट HRTC की बस ही रहती है, जो कि टाइम से चलती है और टाइमली आपको मनाली पहुंचा देती है। अगर आप ईस्ट वेस्ट या साउथ इंडिया से आ रहे हैं तो आप दिल्ली या चंडीगढ़ को अपना बेस बना सकते हैं और बाई सेल्फ व्हीकल भी आप मनाली इजीली पहुंच सकते हैं। दिल्ली से मनाली की दूरी 536 किलोमीटर है, जिसे तय करने में आपको 13 से 14 घंटे का टाइम लग जाता है और चंडीगढ़ से मनाली की दूरी 305 किलोमीटर है, जिसे तय करने में आपको 8 से 9 घंटे का टाइम लग जाता है। अगर आप अपने व्हीकल से मनाली आते हो तो आपको ग्रीन टैक्स देना होता है। मनाली में स्टे करने के लिए होटल की बात करें तो एवरेज होटल आपको 1000 से 1500 की रेंज में मिल जाते हैं। अगर आप माल रोड पर होटल लेते हैं तो रेट थोड़ा हाई रहेगा। अगर आप चीप होटल लेना चाहते हैं तो माल रोड से 1 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होटल ले, जो आपको 700 से 1200 रुपए की रेंज में मिल जाएगा। अगर आप पीक सीजन यानी इस टाइम पर आ रहे हैं तो ऑनलाइन होटल की बुकिंग करवा कर आए, लेकिन वैसे आप ऑफलाइन भी होटल ले सकते हैं और एट अ टाइम प्राइस नेगोशिएट भी कर सकते हैं। मनाली में कैसे घूमें? तो मनाली में कुछ पॉइंट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, जिन्हें आप चलकर कवर कर सकते हैं और कुछ जगहों पर आप बसेस, टैक्सी या बाइक रेंट पर लेकर जा सकते हैं। एज पर बाइक मॉडल रेंटल बाइक के चार्जेस 1000 रुपए से स्टार्ट होकर 2000 रुपए तक होते हैं। अब बात करते हैं मनाली में आप कहाँ कहाँ घूमें। तो फर्स्ट नंबर पर दोस्तों आप माल रोड घूम सकते हैं। यहाँ पर आप शॉपिंग मार्केट, स्ट्रीट फूड, कैफेज, रेस्टोरेंट, ढाबाज एक्सप्लोर कर सकते हैं।
सेकंड आप हडिम्बा देवी मंदिर जा सकते हैं, जो कि माल रोड से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। जंगल के बीचों बीच यह बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, जो कि भीम की पत्नी हडिम्बा देवी का मंदिर है। स्नो बढ़ने के बाद इस मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। नंबर थर्ड पर आप जा सकते हैं वशिष्ठ टेम्पल में, जो कि फेमस है अपने हॉट स्प्रिंग के लिए, जिसके गर्म पानी में नहाकर आप मंदिर में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। फोर्थ, आप ओल्ड मनाली और मन्नू टेम्पल जा सकते हैं। ओल्ड मनाली वो जगह है जहाँ पर लोकल्स रहते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारे कैफेज भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि लाइव म्यूजिक और टेस्टी फूड के लिए फेमस है। ओल्ड मनाली में मन्नू टेम्पल भी स्थित है, जो कि मनाली का मेन टेम्पल है। महर्षि मन्नू जिनका ये टेम्पल है, उन्हीं के नाम पर मनाली का नाम रखा गया है। फिफ्थ लोकेशन पर आप जा सकते हैं सोलांग वैली। सोलांग वैली मनाली से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोलांग वैली की हाइट 2560 मीटर है। सोलांग वैली फेमस है अपनी स्नो एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए। यहाँ पर आप स्कीइंग, आइस स्केटिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, जॉर्बिंग और स्नो मोटर बाइक राइड एंजॉय कर सकते हैं। सोलांग वैली आप टैक्सी, ऑटो, बस या बाइक रेंट पर लेकर आ सकते हैं। इनमें सबसे सस्ता ऑप्शन आपको बस के थ्रू आने में रहेगा। बस आपको सिर्फ 30 रुपए में सोलांग वैली पहुंचा देगी। टैक्सी 1000 रुपए से 1500 रुपए और ऑटो से 500 रुपए से 700 रुपए का चार्ज लगता है। सोलांग वैली के लिए बस आपको ओल्ड मनाली से मिल जाएगी। बस की टाइमिंग सुबह 8 बजे, 10 बजे, दोपहर 1:30 बजे और 2 बजे तक रहती है। सिक्स्थ लोकेशन पर आप रोहतांग पास जा सकते हैं। रोहतांग पास 3978 मीटर की हाइट पर स्थित है। रोहतांग पास जहाँ पर स्नोफॉल मिड सितंबर से शुरू होकर मई और जून तक रहती है। अगर आप रोहतांग में मई या जून में भी आए तो आपको यहाँ पर स्नो मिल ही जाएगी। मनाली से रोहतांग की दूरी 50 किलोमीटर है, जिसे आप कार, टैक्सी या टेम्पो ट्रेवलर से तय कर सकते हैं। रोहतांग पास जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है, जिसके चार्जेस 500 रुपये फोर व्हीलर के लिए रहते हैं। रोहतांग पास जाने के लिए माल रोड के पास से ही आपको टेम्पो ट्रेवलर, बाइक रेंट शॉप और टैक्सी मिल जाएगी। सेवंथ नंबर पर आप जा सकते हैं अटल टनल। अटल टनल 9 किलोमीटर लंबी टनल है, जो कि रोहतांग पास के नीचे बनाई गई है। रोहतांग पास में ज्यादा बर्फबारी होने के कारण लाहौल और स्पीति का एरिया मनाली से कट जाता था। मनाली लेह लद्दाख हाईवे को भी नवंबर से अप्रैल तक बंद करना पड़ता था और कनेक्टिविटी पूरी तरह से बंद हो जाती थी, तो उसी को कंटिन्यू रखने के लिए अटल टनल बनाई गई है। जब आप अटल टनल पार करोगे तो आपको कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा, जो कि इस जगह को मस्ट विजिट बनाता है। पहले लेह लद्दाख जाने के लिए रोहतांग पास पार करके जाना पड़ता था, जिसे पार करने में 3 से 3.5 घंटे का टाइम लगता था और सर्दियों में रोड भी बंद हो जाती थी। पर अब अटल टनल बन जाने के बाद में ये रास्ता 10 मिनट में तय किया जा सकता है। अटल टनल से आप सिसु भी जा सकते हैं। अटल टनल से सिसु सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पर है। सिसु में आप वाटरफॉल और लोकल विलेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। 8 नंबर पर आप क्लब हाउस जा सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। फूड की बात करें तो मनाली में आपको काफी सारे स्ट्रीट फूड पॉइंट्स, कैफेज, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और वेज और नॉन वेज फूड दोनों के ऑप्शन इजीली अवेलेबल रहते हैं। यहाँ का खाना काफी अच्छा होता है और हर टाइप की वेरायटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। मनाली घूमने के लिए आपको 3 दिन चाहिए होते हैं। डे 1 आप माल रोड, क्लब हाउस, देवी हडिम्बा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, मन्नू टेम्पल एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये सभी प्लेसेस माल रोड से 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में ही लोकेटेड है, जिन्हें आप बाई वॉक ही कवर कर सकते हैं। डे 2 में आप सोलांग वैली जा सकते हैं, जहां पर आप स्नो एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। डे 3 में आप अटल टनल और सिसु जा सकते हैं, या फिर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो रोहतांग पास आप 3rd डे में कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास में 3 से ज्यादा दिन है तो आप और भी आसपास की कई जगह, जैसे कि मणिकरण, कसोल, कुल्लू, बुनतर, इन प्लेसेस को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये सभी जगह मनाली से 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। 3 डे मनाली ट्रिप का बजट कुछ इस तरह का रहेगा। लाइक अगर आप दिल्ली से ऑर्डिनरी बस से आते हो तो 5000 रुपये पर पर्सन, वहीं अगर आप वोलो से आते हो तो 7000 रुपये पर पर्सन खर्चा आ सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई वीडियो हो गई है कंप्लीट यहाँ पर। और यार वैसे मैं एक बात कहूँ, मैंने तो मनाली देखा, इन्होंने मनाली भी देखा है कहाँ? मैंने मनाली देखा है सीआईडी में।
मैं मैंने कहा शायद सीआईडी वही। बड़े शौक से देखता था, हाँ उसके बहुत वही। सारे एपिसोड जो है वो हाँ मनाली में जो है वो शूट हुए में ड्यूरिंग स्केटिंग वगैरह इस टाइम मैंने कहा शायद इन्होंने वही तो कल वाला सीन कर दिया, जैसे कहते हैं फलानी जगह तो जाओ मैंने फलानी जगह देखा जाओ। मनाली भाई, मतलब आप जो लोगों भी है को कैसा लगा? मनाली जो है बहुत खूबसूरत, ये वीडियो देख के दिल बहुत ज्यादा खुश हो गया। आपने तो सब शूट वो भी देखे हैं, हाँ वो तूने तो मनाली रेल में में देखा है। हमने सारा ही देख लिया। हाँ सारा ही देख कौन लिया। सी बस जाती है, कौन सा रिक्शा कितना जाता है, किराया है, कौन सा कितने ऑटो क्या जाता है है, क्या कौन सा नहीं है फ्लाइट जाता है और कितने में जाता और है ये भी। कितने यार में जाता वैसे है। एक बात है, ये जो चैनल ऑनर है इनको सल्यूट है यार, एक एक डिटेल बताइए अच्छा मतलब ताकि कि बंदे कोई को पता होना चाहिए ना हाँ कि भाई कोई कितना शक खर्चा नहीं बन रहे। सकता है। एक तो ये होता है ना नॉर्मल, आप भाई मनाली के अंदर कौन से प्लेसेस में आप विजिट कर सकते हैं, उसके अलावा उन्होंने वहां के खर्चे तक बता दिए। मतलब बता दिल्ली भी से दिया आप कि कौन जाते सा हो होटल अगर आप लेना चाहो तो आपको ये पड़ेगा, हजार अगर बारह दूसरा सौ लेना रुपये चाहो तो पंद्रह वो सौ पड़ेगा। रुपये होटल। अच्छा मुझे एक बात पूछनी थी, जो मंदिर का बताया था ना कि गर्म पानी वहां पर, हाँ वो चश्मा होगा वहां शायद उसके चश्मा अंदर क्या कुछ। मतलब कि वो गर्म पानी कुदरती आता है या फिर जैसे कि हमारे यहाँ पर है वो रहता है वो कुदरती ना, वो जमीन गर्म से चश्मा जमीन ही से होगा, निकलता ये है भी चश्मा क्योंकि, ही होगा, तो जिस तरीके से उसमें धुआं निकल रहा था लोग पांव डाल के बैठे हुए थे, तो मुझे अचानक से याद आया था कुदरती मैं है, पहाड़ों में से तो निकलता वहां हुआ पर भी, और पानी है, वो किस जैसे यहाँ तरीके से हमारे वो यहाँ गरम गर्म चश्मा चश्मा है है, जिसको कहते कोई हैं, मतलब कि कोई मजार बीमारी है। वगैरह होती है तो दाने वगैरह हो या खारिश वगैरह तो कहते हैं जाके नहाते हैं उससे तो बीमारी वगैरह दूर हो जाती है, तो शायद ये भी वैसे ही हो हाँ ये भी जो कुदरती चश्मा ही गर्म होगा मेरे ख्याल से, जो जमीन में से गर्म पानी निकलता पानी है। और ये निकलता भी है। कुदरत है यार, देखो जमीन इतनी ठंड वहां पे, बर्फबारी और सब कुछ, और ऐसे मौसम में हाँ जमीन से गर्म पानी निकल रहा है, वाह वाह और यार देखो क्या इतना वो कुदरत। गर्म होता है कि बंदा बर्दाश्त कर सकता है। देखे तो लोग पांव डाल के, हालांकि हल्का सा भी गर्म पानी घर में अगर कर रहे हैं नहाने के यार ये लिए। बॉडी टेम्परेचर के ऊपर होता है असल में, देखो आपकी बॉडी का जब टेम्परेचर चेंज होता है ना किसी भी क्लाइमेट के अंदर, अगर आप जाते हो तो आपको शुरू के थोड़ा सा टाइम प्रॉब्लम होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप गर्मी में से फॉर एग्जाम्पल आते हो और एसी में चले जाते हो, आपको एसी कितना कूल लग रहा होता है यार, बिल्कुल कितना सुकून मिलता है, लेकिन आप 15-20 मिनट जब आपकी बॉडी में वो टेम्परेचर एडजस्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको खास कूलिंग फील महसूस नहीं फील नहीं होती, होता फिर वो। नॉर्मल हो जाता है हाँ वेदर आपके फिर लिए यहाँ तो। पे वहाँ पे ठंडक ज्यादा की होने की वजह से शायद उनको ज्यादा फील नहीं होता होगा गर्म हाँ पानी में। हाँ तो हो सकता है यही गर्म। है, और वो अगर गर्म लगता भी होगा तो 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता होगा। हाँ और अब वो लेकिन बर्फ देखी थी। बैक टू मनाली हाँ यार, हाँ बहुत वो खूबसूरत बर्फ जगह देखी है थी, यार, बर्फ 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 साइडों में, देखी रोड के साइडों में साइडों बर्फ। में, बिल्कुल ऐसा ओ यूरोप भाई जैसा फील आ रहा था कभी यार। हमारा इंशाल्लाह आना हुआ तो मैं तो भाई चीनी पति साथ लेके आऊंगा, चूल्हे की तो वहां जरूरत नहीं है, पानी निकाला पति रेडी चीनी डालिए सहलाया दूध डाला पी लो चाय तेरा। लेकिन वैसे अब्बू एक बात है, वो सेबों से मुझे याद आ गया, वो सेब सवात सवात बहुत में जो है ना खूबसूरत वो लग इसी तरह रहे थे के सेब होते हैं, लाल लाल हरे हरे, और मुझे तो ओए होए होए बहुत, मुझे होए, बहुत एक दिली ख्वाहिश है कि मैं एक बाग जाऊं फ्रूट्स के और और वहां जाके चोरी करूं वो यार खुद सच्ची वहां सच्ची पर तोड़ के और रेल में बिना खा बिना रहा इजाजत के तोड़ तोड़ के लाऊं है बस, मैं जो भी समझे भाई अब तो यार। बात अरे मुझे। चोर तू बंद कर, सच्ची बात यह है भाई इतनी उम्र हो गई, पहली बार ड्रग देखा है सर और ये लो बा देखो खुदा वो बस को ऐसे कहीं हम आ रहा जाने ही नहीं हुआ कि जाम आम तो लटके वो हुए वीडियो में देखे, भी नहीं देखा क्या अभी तक? और ये आज देख लिया ना वीडियो में भी वीडियो में आज ही अब देखा आपको है। पता कितने अच्छा शौकीन है यानी आपको चीज मैंने है। सेब का दरख्त नहीं देखा, मुझे ये भी नहीं पता इसका पत्ता कैसा होता है, आम का तो होता है ना वो लंबा सा पत्ता, और हाँ किन्नू माल्टे भी मैंने देखे सफर के दौरान और मेरा वहां, अपन क्योंकि अब्बू को सेब पसंद नहीं है तो अभी सेब तो देखा ही नहीं सेब है का दरख्त आज पहली आज देख बार लिया। चलो भाई के मुबारक किन्नू हो भाई माल्टे ने, तो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत यूट्यूबर साहब, तरक्की कर ली भाई अब्बू जी अब्बू ने तरक्की सेब हो गई के भाई, फोर्थ। सेब का दरख्त देख लिया हाँ अब्बू ने, साल के हो गए अभी जब सेब का सेब देखा दरख्त है। बखुदा नहीं देखा, नहीं ये देखा जो आज बंदे देखा सच है। बोलते सच्चे आदमी चलो भाई बोले ना। हाँ सच ये बोलना चाहिए। यूट्यूबर को इसका क्रेडिट जाता है हाँ जिन्होंने आज अब्बू को सेब सेब पर और दिखा वो भी दिया भाई, दिखा वो भी दिया सोचता था ऐसे गाना इधर लटका होगा ऐसा होगा, लेकिन ये लाइन से ऐसे भाई मैंने और पहली बहुत बार देखी। खूबसूरत लग रहे थे यकीन माने, वो देख के ना दिल बंदे का कर रहा था कि बस काश ये सामने होता तो क्या था। भाई लेकिन आप लोगों ने कमेंट में ये बताना जरूर है, आप लोगों में से कौन कौन जो है वो मनाली गया हुआ है मैं भी हमारी तरह बोलने, मैं क्योंकि सब्जी बोलने लगा कि हमारी कौन कौन ने सेब खाया सेब है। सेब खाया या कौन कौन ने सेब का दरख्त की नहीं देखा है मेरे बाप की तरह है,
मैं ये समझा था कि आप ये में से तेरा कौन ने मेरे बाप की तरह तेरा अगस्त्य नहीं सिंह देखा निकला। है। तो चले बाला जी, बहुत बहुत आप लोगों को ये इलाके मुबारक, बड़ी अच्छी जन्नत नुमा जगहों पे रहते और हैं। हम भी सबसे जन्नत में रहते नुमा में रहते हैं। अगर हम निकलते तो शायद सेब के दरख्त कितनी बार देख चुके होते। हाँ अल्लाह, हमारा तो एरिया भरा हुआ है फ्रूटों से और यार, नजारों से। असल में यार हकीकत बात है, इस तरह की वीडियो सजेस्ट करें भाई, दिल बड़ा खुश होता है, एक दिल में तड़प और बढ़ती है कि हाँ यार घूमा फिरा जाए, जिंदगी को एंजॉय किया जाए। भारत आए, नहीं आ सके तो ठीक है, अपने मुल्क में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वहां है जाके देख लें, तो एक तड़प पैदा होती है ना, तो बड़ा बस दिली अल्लाह तौर पे, वसाइल पैदा और करे जाने हकीकत के। बताऊं थोड़ी देर के लिए ना माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। इंसान बिल्कुल है ना, वाकई में इंसान के साथ कई सारी टेंशन वेंशन खुशी खत्म हो गम जाती टेंशन है, है, ये इंसान जिंदगी का हिस्सा हिस्सा है, है वो तो तो बिल्कुल। ऐसी जब चीजें देखते हैं थोड़ी देर के लिए बड़ा रिलैक्स फील हो जाते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस कि आप लोग इस तरह की वीडियोज जो है वो हमें सजेस्ट करते हैं। और अब नेक्स्ट आप लोग बताएं कि भाई कौन सी वीडियो होनी चाहिए, कमेंट में मेंशन करें इंडिया की ब्यूटी यार, इंडिया नेक्स्ट में आप लोग बताएं भाई हम वहां जाके कौन सी वीडियो देखें जो हमें अच्छी लगे, तो चलो और फिर जाके अच्छे खूबसूरत नजारे वाली वीडियो अच्छी लगती है, पहाड़ हो हरियाली हो, हम तो वहां का रेगिस्तानों में खाना रह रहे हैं, पीना हो, वहां का और वहां के कल्चर खूबसूरत हो, दरख्त और फ्रूट्स के जो नए नए फ्रूट जो मेरे अब्बा देखे, हाँ जी वहां वाह का कल्चर कल्चर हो, कल्चर हो, कैसा वहां है, के जहाँ ऐसी हरियाली होती है वहां की कुदरती बात है, लोग भी खूबसूरत बहुत होते हैं, खूबसूरत। और जहन के भी खूबसूरत, दिल के भी खूबसूरत होते हैं, उनमें ना कुछ नखरा है ना कुछ है, तो बहरहाल मेहमान नवाज बहुत होते हैं, मेहमान हकीकत नवाज होते बताऊं हैं, ऐसे इलाकों के, पहाड़ी इलाकों के लोग जो है ना बड़े बहुत मेहमान मेहमान नवाज नवाज होते होते हैं। हैं। चलें खैर भाई, वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाइक करें, करें, कमेंट कमेंट करें, करें, शेयर शेयर करें करें और और चैनल चैनल को को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत सारी सारी दुआओं दुआओं के के साथ। साथ खुदा हाफिज।